हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। सो ये जो दिसंबर है, ये विवेक बिंद्रा जी के लिए कुछ खास जा नहीं रहा। मैं तो कहूंगा कि शायद इसको वो भूलना ही चाहेंगे अपने इतिहास के पन्नों में से। 6 तारीख को उनकी शादी हुई, 6 दिसंबर को, और 7 दिसंबर को उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर ली, ऐसी एक खबर आ रही है। और ये खबर मैं आज तक और ललन टॉप इन दोनों के हवाले से कह रहा हूँ, ऐसा मैंने कुछ वेरीफाई नहीं किया। जो भी डिटेल्स हैं वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। कंट्रोवर्सी तो अपने आप चली रही है, जो आप देख रहे हैं स्कैम वाली कंट्रोवर्सी, विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। लेकिन ये एक नई खबर है जिसमें कि 14 दिसंबर को उनके साले साहब ने नोएडा के थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। ये बताया कि उनकी बहन के साथ, यानी कि विवेक बिंद्रा की पत्नी जी के साथ जो है, उन्होंने मारपीट की है। और मारपीट भी कब की है? शादी के अगले दिन, यानी कि 6 तारीख को शादी थी, 6 दिसंबर, और 7 दिसंबर को अपनी माँ से कुछ उनकी बातचीत चल रही थी विवेक बिंद्रा की, बीच में उनकी पत्नी यानिका आई बचाने के लिए उन्हें, या बीच बचाव करने के लिए, जो भी रहा हो। उसके बाद उनको कमरे में ले जाकर गाली गलौज की, उनको पीटा, इतना पीटा कि उनके शरीर में काफ़ी घाव भी आए हैं, और साथ में ही उनको सुनाई देना भी बंद कर दिया है, ऐसा आरोप उनके भाई ने लगाया है। आरोप ही नहीं लगाया है, बकायदा FIR दर्ज हुई है नोएडा सेक्टर 126 थाने में, और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है, और 14 तारीख को ये FIR दर्ज की थी। और 11 तारीख को मैं बताता हूँ कि वो संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो आया था जिसमें कि बिंद्रा जी के बारे में नहीं कहा गया था, लेकिन लोगों ने ऐसा माना और खुद बिंद्रा जी ने भी ऐसा माना कि मेरे बारे में ही बातें कही गई हैं। अब चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरा अपडेट यह है कि जो भी एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, उस कॉन्ट्रोवर्सी के बीच में एक वीडियो और आया, पता नहीं आपकी नजर गई या नहीं गई, मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ। जैसे ही विवेक बिंद्रा जी ने अपना जो भी लाइव सेशन किया था 10 MBA का, उसमें तमाम सारे आरोप संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर लगाए थे, तो संदीप माहेश्वरी जी का जवाबी वीडियो आता, उसके पहले ही एक वीडियो और लाइव हुआ था। वो वीडियो कहाँ लाइव हुआ था? वो हुआ था सागर सिन्हा जी के, जो कि काफी बड़े यूट्यूबर हैं, उनके चैनल पर लाइव हुआ था। तमाम सारे जो आरोप संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से लगाए गए थे, उन सारे आरोपों को लेकर के एक 54 मिनट का वीडियो जो है, वो सागर सिन्हा जी के पॉडकास्ट के तौर पर या उनके चैनल पर जो है पोस्ट हुआ था। उसमें उन्होंने सारे सवाल, जो जनता के सवाल थे, जो कमेंट्स में थे, वो सारे लगभग सवाल पूछे थे, और उन सवालों के जवाबों का मैं कुछ सारांश आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अब चाहें तो पूरा वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, सागर सिन्हा जी का वीडियो आप जाकर के उनके चैनल पर देख सकते हैं। तो वहाँ पर भी कमोबेश उन्होंने वही सारे आरोप दोहराए थे जो उन्होंने एक दिन पहले लाइव में दोहराए थे, कि संदीप माहेश्वरी जी के जो भी बिजनेसेस हैं उसके बारे में, या जो उन्होंने कहा, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की। उन्होंने वहाँ पर एक गलती भी मानी अपनी, जो IBC मॉडल है उस मॉडल को लेकर के वहाँ पर भी उन्होंने पूरी तरह से मुखरता से बात की। उन्होंने कहा हाँ, इसमें कुछ कमियाँ थीं जिसकी वजह से हमने बंद कर दिया, हालांकि वो उसको स्कैम मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि संदीप माहेश्वरी जी ने एक तरफा बातें सुनी हैं, एक तरफा बातें सुनने के बाद ही ये वीडियो बना लिया और उसके बाद ये मुहिम शुरू कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये माना कि हाँ, उस मॉडल में कमियाँ थीं। कमियाँ ये सिर्फ थी कि उसको ज़्यादा जो है एफिलेट मॉडल के तौर पर या कमाने के तौर पर दिखा गया, जबकि मैं आपको बता देता हूँ कि हर वीडियो में कहा ही यही जाता था, खुद बिंद्रा जी के द्वारा भी कहा जाता था कि आप मेरे साथ काम कीजिए, मैं महीने में आपको जो है 1 लाख से 10 लाख रुपए तक कमाने की गारंटी देता हूँ, और अगर आप नहीं कमा पाए तो आपको पैसे वापस देता हूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि भैया, यहाँ पर किसी को भी, जो लोग भी चिल्ला रहे हैं, जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मैंने ठगी कर ली है या मेरे साथ ऐसा हो गया, इतने पैसे ले लिए, उन सब लोगों ने काम नहीं किया। उनका कहना ये था कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमको इतने मार्क्स मिलने चाहिए, वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं आते थे, यानी कि उन लोगों ने कोर्स तो ले लिया, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि 100 दिन तक आपको मेरे बताए हुए प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा। जब मैं उनकी डैशबोर्ड चेक करता था तो देखता था कि कोई कोई सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड या अपने दोस्त या एक दो लीड्स को ही कॉल करते थे और वो भी क्लोज नहीं होती थी। तो इस तरह के उन्होंने कुछ बताया कि हाँ, ये भी चीज़ें हैं कि जो भी कोर्स लेता है वो नहीं कमा सकता, क्योंकि वो खुद काम नहीं कर रहा, मैं तो नहीं करके दे सकता काम, तो इसलिए वो रिफंड के पात्र नहीं है। और चूंकि वो रिफंड के पात्र नहीं है तो कंपनी ने उनको रिफंड नहीं किया है, और ऐसे लोगों को रिफंड कर दिया गया है जो कि पूरी तरह से हमारी पॉलिसी पे खरे उतरते थे और पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने काम भी किया, उसके बाद भी सक्सेस नहीं हो पाए, तो उनको हमने रिफंड कर दिया। तो ये सारी बातें वहां पर दोहराई। वहीं पर एक खास बात और निकल करके आई जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि विवेक बिंद्रा जी जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर जा चुके हैं। बैकफुट पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सागर सिन्हा जी ने एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि अब अगर संदीप माहेश्वरी जी का कोई वीडियो आता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तो उन्होंने कहा कि चाहे उनका कोई कम्युनिटी पोस्ट आए या कोई वीडियो आए, मैं उसका जवाब नहीं देने वाला हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो बैकफुट पर हैं। हालांकि उसी के बाद फिर वो बम फूटा, शाम को उसी वीडियो के पहले ही संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो आ गया जिसमें कि उन्होंने डायरेक्ट विवेक बिंद्रा जी का नाम लिया और सारी बातें कहीं, हैशटैग और लीगल कार्रवाइयाँ, वो सारी चीज़ें जो
पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये टाइमिंग जो थी वो संदीप महेश्वरी जी के वीडियो के बाद कहा जाएगा कि वो लाइव हुई थी, लेकिन ये शूट तब हुआ था जब विवेक बिंद्रा जी ने ये आरोप लगाया, उसके बाद तुरंत ही सागर सिन्हा जी के चैनल पे वो वीडियो आया। तो एक तरफ से आप ये कह सकते हो कि विवेक बिंद्रा जी की तरफ से जो उन्होंने धमकियां दी थी, कहा था कि एक हफ्ते में मैं कुछ कर दूंगा, वो कर दूंगा, हालांकि वो दूसरा वीडियो आने के बाद, जवाबी वीडियो आने के बाद हो सकता है कोई नया डेवलपमेंट हो, लेकिन उसके पहले तक तो उनका स्टैंड यही था कि अगर संदीप माहेश्वरी जी मुझे मिलने के लिए बुलाते हैं, यानी कि एक तरफा स्टोरी को दूसरी तरफ भी सुनना चाहते हैं, मेरा पक्ष भी सुनना चाहते हैं, तो वो मेरा कबूल है, बट बाकी चीज़ों पर मैं जवाब नहीं देने वाला हूँ। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि हैशटैग जो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, ट्विटर पे भी मैंने देखा था, एक ट्रेंड कर रहा था। तो इस मुद्दे पे आज सिर्फ इतना ही था। अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप तक ज़रूर लाऊंगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।